हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है। नवंबर स्टार्ट होने का मतलब है विंटर गार्डन की स्टार्टिंग होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा गार्डन अक्टूबर में कैसा दिखता है। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर महीने अपने गार्डन का ओवरव्यू आपको देती रहूँ, क्योंकि हर महीने गार्डन में कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहते हैं। हर महीने के साथ गार्डन के वर्क्स चेंज होते हैं, प्लांट की ग्रोथ चेंज होती है, ब्लूम्स चेंज होते हैं। तो वही सब मैं इस वीडियो मैं शेयर करती हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस हिस्से से जहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट प्लांट रखा हुआ है, जेड प्लांट। यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी टोपियारीज हैं, और अब आने वाले टाइम में मैं विंटर गार्डन की भी स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ। ये देखिए, ये गेंदे के फूल जो मैंने अपने पूजा के फूलों से लगाए थे और आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब इनके ऊपर ब्लूम भी आ गया है। और ये है वो सारे पौधे जो मेरे पूजा के फूलों से ही बने हुए हैं। तो देखा कितनी आसानी से बन जाते हैं। और ये मेरा विंका का है एक प्लांट है, जो एक बहुत अलग सा मुझे शेड मिला था तो मैं ले आई थी। और ये जेड की टोपियारीज हैं। यहाँ पर ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जिस पे कली आ रही है। और यहाँ पर ये ट्रे गार्डन है, इसको कैसे बनाना है ये इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में चैनल पर शेयर करी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी जेड टोपियारीज हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे मैं जेड टोपियारीज को बनाती हूँ। और यहाँ पर ये अपराजिता की मैंने फलियाँ संभाल के रखी हुई हैं, और साथ में ये स्टोन आर्ट की वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। मैं अपने गार्डन में जो भी काम करती हूँ मैक्सिमम मैं सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मुझे ये लगता है कि जो मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ हो सकता है आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करे। मुझे लगता है कि मुझे देखकर अगर आप लोगों ने दो प्लांट भी लगाए ना, तो मेरे वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी गार्डन की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बातों ही बातों मैंने आपको अपनी सारी जेड टोपियारीज का कलेक्शन दिखा दिया। नीचे यहाँ पर हेवोर्थिया है, हेवोर्थिया को किस तरह डिवाइड किया जाता है ये भी मैंने अपने चैनल पर आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कप प्लांटर्स, जो घर पर रखे हुए पुराने वेस्ट कप से मैंने बनाए हैं। बहुत ईजिली बन जाते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अपने टेबल टॉप वगैरह पर भी रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देखिएगा। और यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट है, यहाँ भी ये मेरे DIY पॉट्स रखे हुए हैं, बहुत पहले बनाए थे। और यहाँ पर ये अपराजिता का मेरा प्लांट है, बहुत सारी इसमें अब फलियाँ आ रही हैं। नीचे मेरा क्रेसुला का प्लांट है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए मैंने क्रेसुला के जो लीव्स हैं उससे इसकी प्रोपोगेशन किया, और इसमें अब नए नए ये देखिए रूट्स भी आ रही हैं। और ये देखिए इस तरह बहुत ईजिली आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है मेरे गेंदे के फूल, और यहाँ पर ओलियंडर है, कनेर का प्लांट ये वाइट कलर का है, और यहाँ पर ये पिंक कलर का है। ये समर के फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर में थोड़ा सा डोमेंसी में जाएंगे। यहाँ पर मेरा विक्टोरिया ड्रेसिना का प्लांट है, जो 4 फुट से भी ऊपर ऊंचा हो गया है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वाला प्लांट अपना। और यहाँ इस तरह ये मेरा एक छोटा सा सेक्शन है, अभी मैंने ग्रीन ग्रास नहीं बिछाई हुई है, आगे आने वाले टाइम में बिछाऊंगी। और यहाँ पर शुरू होता है मेरा मेन गार्डन, जो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले शेयर करती हूँ, यहाँ पर ये मेरी बोनसाईज हैं, ये पिलखन के बोनसाई अभी मम्मी ने लेकर आई थी, मैंने इसे भी पॉट में ट्रांसफ़र नहीं किया है। और यहाँ पर एक ये पीपल की बोनसाई है, जो मैं एक अलग से शेप में बना रही हूँ। बोनसाई को कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर मेरा एक्जोरा का प्लांट है, और उसके बाद यहाँ पर एक ये ब्रोकन पॉट फेरी गार्डन है जो मैंने बनाया था, पॉट टूट गया था, और इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। यहाँ पर जेड के मेरे टोपियारीज हैं। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसको आप मतलब बहुत इजी टू केयर प्लांट है, टोपियारीज बना लीजिए, बोनसाईज बना लीजिए, और छोटी से छोटी कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट मुझे ये लगता है। यहाँ पर एक और जेड की मैं बोनसाई बना रही हूँ। फिर यहाँ सेंसिवेरिया है, यहाँ पर बास्केट प्लांट है, और यहाँ पर ये जो रखा है ये मेरा जेड का मदर प्लांट है, ओरिजिनल प्लांट है यही, जिससे मैं सारी टोपियारीज बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं एक बोगनवेलिया की बोनसाई बना रही हूँ। बीच में शायद मैं वेकेशन पे गई थी तो पानी प्रॉपर नहीं दे पाई, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी लीव्स शेड हो गई। उसके बाद ये अगेन सारी जेड की टोपियारीज हैं, अभी ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे कितने सुंदर अडेनियम के फ्लावर्स, छोटा सा प्लांट है लेकिन फिर भी कितने सारे ब्लूम आ रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये प्लांट ना। और इस तरह मेरा ये वाला सेक्शन जहाँ पर मेरी टोपियारीज वगैरह हैं वो मैंने आपको दिखाया। नीचे जो यहाँ पर मेरे वाइट प्लांटर्स हैं, इसमें अगेन यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये टोपियारी कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ चैनल पर शेयर की हुई है। और आगे विंकास हैं, और यहाँ पर ये लिली का प्लांट है, एलोवेरा है,
और अगेन जेड है। अब आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर विंटर गार्डन स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए बास्केट प्लांट कितना खूबसूरत प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। एक छोटी सी बास्केट में आप देख सकते हैं मोर देन 15 प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। इजी टू प्रोपोगेट है, यहाँ पर्पल हार्ट है, इधर लंडन पाइन का प्लांट रखा हुआ है, फिर यहाँ पर नॉरिना पाम है, फिर साइकस है और ये करी पत्ता है। इधर यहाँ पर अगेव अमेरिकाना है, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है। इसके जो लीव्स का पैटर्न है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये फाइकस है, अगेन बहुत बुशी हो गया था लेकिन मैं वैकेशन पर चली गई थी तो शायद पानी की कमी की वजह से पत्तियाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं। और यहाँ पर है एस्पेरेगस, ये भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है। अगेव अमेरिकाना पे बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देखिएगा। और यहाँ पर ये एस्पेरेगस है, उसके बाद ये टिकोमा है। ये देखिए कितना खूबसूरत वाइब्रेंट येलो कलर का इस पर फ्लावर आता है। अब तो फिर भी बहुत सारे फ्लावर इसके स्पेंट हो चुके हैं लेकिन पूरा फ्लावर से भरा हुआ था, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर ये चंपा का प्लांट है जिस पर बहुत सारे वाइट कलर के चंपा हैं और एक रेड कलर का चंपा मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है अपने गार्डन में। यहाँ पर ये बैम्बू का प्लांट है। अब आगे आने वाला टाइम इन सब प्लांट्स के लिए डॉर्मेंसी का टाइम है। यहाँ पर ये मेरे लेडी पाम का प्लांट है, बेचारा थोड़ा बैम्बू प्लांट के नीचे छुप गया है। और यहाँ पर ये देखिए अगेन एक्सोरा में कितने सारे ब्लूम्स आ रहे हैं। ये है वो रेड चंपा जिसकी मैं आपकी बात कर रही थी। और यहाँ पर है ये सुदर्शन का प्लांट। स्पिरिचुअल वैल्यू होने के साथ इसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत सुंदर भी लगता है। और यहाँ पर अगेन मेरे बोगनवेलियाज आ गए, बहुत सुंदर प्लांट है ये भी। ये देखिए कितना ब्लूम आ रहा है इस पर। और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का है, साइड में पिंक कलर का है, एक वाइट कलर का भी बोगनवेलिया जिस पर फिलहाल कोई ब्लूम नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और आगे विंटर्स में कैसे इसकी केयर करनी है इसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। उसके बाद यहाँ पर आता है ये पेडिलेंथस, उसके यहाँ पर है फिर ये लीली और ये छोटा सा करी पत्ते का प्लांट। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करी पत्ते की बोनसाई भी बन सकती है, वो मैं ज़रूर आपके साथ चैनल पर शेयर करूँगी। यहाँ पर ये मेरा थूजा का प्लांट है। उसके बाद आती है मेरी तुलसी, यहाँ पर ये कलांचू है। अब आने वाला टाइम अभी विंटर सीजन में कलांचू का है, कैसे कलांचू को डिवाइड करते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ। यहाँ पर कैना लिली है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है और गुलाब। ये देखिए कितना खूबसूरत कितना बड़ा फ्लावर आ रहा है और आने वाले टाइम में तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पर ड्रेसिना मार्जिनाटा, एरेका पाम भी थोड़ा सा मेरा भी स्ट्रेस में जा रहा है, इसको भी मुझे थोड़ा सा ठीक करना है। फिर अगेन यहाँ पर फाइकस की बोनसाई और बास्केट प्लांट है। फिर आ जाता है ये स्टारलाइट फाइकस और यहाँ पर जोनेडो है। यहाँ पर अगेन एक और फाइकस की बोनसाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि कैसे बनाते हैं, बहुत इजी प्लांट है बोनसाई बनाने के लिए, बहुत खूबसूरत भी लगता है, गिफ्ट कीजिए किसी को। ये अरेलिया है, ये देखिए कितने खूबसूरत ट्वर्ल इसके जो लीव्स हैं। और ये शमी का प्लांट है, बहुत शुभ माना जाता है। कौन से ऐसे 10 शुभ प्लांट आपको घर में रखने चाहिए वो भी मैंने वीडियो में डाली हुई है। यहाँ पर सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम है, उसके बाद एस्पेरेगस है। यहाँ पर ये बुद्धिस्ट पाम है, इंडोर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट है। इसे एलोकेसिया कुकुलाटा भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट है, फिर एग्लोनिमा है। आगे ये सब प्लांट्स थोड़े स्ट्रेस में चले जाएंगे लेकिन केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लरिश करेंगे। मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे विंटर सीजन में आपको अपने परमानेंट जो प्लांट्स हैं उनकी केयर करनी है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उस वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा क्रोटन है, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका जो पैटर्न है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये अगेन एक और क्रोटन है। यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं पर्सनली ये भी। यहाँ पर ये ऑक्सीकार्डियम का प्लांट है और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कहाँ तक कितना ऊपर तक जा रहा है और इसके पीछे गोल्डन डस्ट रखा है, वो तो दिखाई ही नहीं देता, वो बेचारा इसी के नीचे छुप गया है। ये देखिए ये भी क्रोटन की एक वैरायटी है, बहुत सुंदर प्लांट लगता है लेकिन इस टाइम मेरे इसको यहाँ पर ये छुपा लेता है। और इसके साथ में यहाँ पर रखा है स्वीट पोटैटो वाइन। मेरे पास ये ब्लैक कलर में है, एक ये नियॉन कलर में भी आती है लेकिन मेरे पास फिलहाल ब्लैक कलर में ही है। और कैसे ये ज़ीरो कॉस्ट मॉस्टिक बनानी थी ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पर ये रेडर मचेरा का प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल प्लांट है, इतनी शाइनी इसकी लीव्स होती हैं, कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है। और यहाँ पर नीचे स्पाइडर प्लांट और बॉक्सर्स प्लांट। और ये मेरे गार्डन का सबसे मतलब लाइक जेन कॉर्नर, मेरा सबसे काम कॉर्नर है यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर मैंने सिंगोनियम हैंगिंग बास्केट्स में लगाया हुआ है। आप इसे इतना खूब वर्सेटाइल प्लांट है कि इसे कहीं भी लगा सकते हैं, लो लाइट में, छोटे प्लांट पॉट में या बड़े पॉट में, बहुत खूबसूरती के साथ फ्लरिश करता है। फिर यहाँ पर नियॉन मनी प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर जो कंट्रास्ट आ रहा है कलर्स का, यहाँ पर ये नियॉन मनी प्लांट है, रेडर मचेरा है लाइट एंड ग्रीन, और यहाँ पर ये ब्लैक टर्टल वाइन और रेडर मचेरा, जो कंट्रास्ट ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो व्यू है आपको कैसा लगा। उसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टेरा है, ये देखिए इसके कितने खूबसूरत जो लीव्स हैं, और एक ही देखिए इसमें नई पत्ती निकल रही है जो अभी ट्वर्ल हो रही है। और इसके पीछे ये मैंने यहाँ पर एक
गार्डन इज़ माई हैप्पी प्लेस, येस ऑफकोर्स गार्डन इज़ माई हैप्पी प्लेस। तो ये जो है ये DIY बोर्ड है जो मैंने बनाया है अपने गार्डन के लिए। साथ में यहाँ पर मनी प्लांट है जिसके लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में थोड़े से डल हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, यही तो चलता रहता है। उसके बाद अगेन करी पत्ता हो गया। तो ये थे मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अपने गार्डन का अक्टूबर ओवरव्यू दिया है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नया आप DIY डेकोर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाने ही भूल गई, ये देखिए मेरे गार्डन में इस टाइम जो चिड़िया है उसने एक नेस्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस टाइम। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।